हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं ये तीन, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, कॉम्प्लीमेंट इवेंट का मतलब क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ अपन प्रॉब्लम्स करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। लास्ट क्लास में अपन ने प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन देखी थी, क्या कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं और कितने अपने फेवर में हैं, उसका जो रेशियो होगा वो प्रोबेबिलिटी है ना। ये क्लासिकल डेफिनेशन है। यहाँ पे अपन ने ये बोला था कि जो जितने भी सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं सारे इक्वली लाइकली होना चाहिए, मतलब सबके घटना घटने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है? द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज जीरो। द इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई ए कोई इवेंट है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, देन ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। फिर अपने पास आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो भी अपन मेजर करते हैं वो आउट ऑफ वन मेजर करते हैं, कि आउट ऑफ वन इस घटना के घटने की क्या चांस है। तो यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन होने का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू वन होने का मतलब क्या हुआ? ये घटना पक्का फॉर श्योर हमेशा घटेगी। जैसे एक डाई को आपने रोल किया, एक डाई को रोल किया, उसपे वन टू सिक्स नंबर आना, वन से लेके सिक्स तक नंबर आना, ये यदि इवेंट में मानू तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? श्योर इवेंट है। इवन नंबर और ऑड नंबर, ये दोनों यदि इवन नंबर और ऑड नंबर, इस बात के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो इवन आएगा या ओड आएगा नंबर, मतलब श्योर इवेंट है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, मतलब जो घटना घटने का चांस बिल्कुल शत प्रतिशत है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वन। कॉम्प्लीमेंट इवेंट किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? वो ना घटे, है ना। जैसे जैसे एक डाई को रोल किया, तो डाइल को रोल किया तो एक इवेंट ए में मानता हूं कमिंग इवन नंबर, और एक इवेंट मानता हूं बी कमिंग ऑड नंबर। तो अपन बोलते हैं कि ये इवेंट यदि ए है कि इवन नंबर का आना, और बी, ए बी आपस में क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, अपन बोलेंगे कि ए यूनियन बी करने पे अपना सैंपल स्पेस मिल जाएगा। सैंपल स्पेस मिल जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फाई, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होगा, और उन दोनों का यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस आ जाएगा अपना। तो ये दोनों इवेंट्स आपस में क्या होंगे? ये दोनों इवेंट्स आपस में क्या होंगे बच्चों? मतलब या तो ए घटना घटेगी या नहीं घटेगी, राइट। तब ए और बी को अपन क्या बोल सकते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। तो अपन बोलते हैं कि यदि मान लो ए कॉम्प्लीमेंट को अपन कैसे लिखते हैं बच्चों? प्रेजेंटेशन ए डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपन क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विल बी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये दोनों इवेंट का सम क्या होना चाहिए? हमेशा वन आना चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट का मतलब है कि एक घटना यदि घटी तो दूसरी नहीं घटेगी, है ना, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन पे जो हेड आना या टेल आना, है ना, एक इवेंट में मान लेता हूं हेड कमिंग हेड, बी इवेंट में मान लेता हूं कमिंग टेल, तो ये दोनों इवेंट्स आपस में क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट है, राइट। क्योंकि एक कॉइन पे हेड नहीं आया इज इक्वलेंट टू टेल आया, ठीक है, मतलब वो घटना नहीं घटी मतलब दूसरी पक्का घट रही होगी, तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इन पे बेस्ड। जैसे एक मैच हो रहा है क्रिकेट का, है ना, उसमें दो टीम है, तो एक इवेंट है ए का जीतना, बी इवेंट है बी का जीतना, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है क्या? ए और बी आपस में कॉम्प्लीमेंट है क्या? बोलो नहीं है, क्योंकि मैच टाई भी हो सकता है, राइट। तो ये दोनों इवेंट आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बिकॉज यदि ए नहीं जीता तो दूसरी घटना घटनी चाहिए पक्का। ए नहीं जीता इसका मतलब ये नहीं है कि जो बी जीत गया ये प्रोबेबिलिटी, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी वन नहीं है, क्योंकि मैच टाई भी हो सकता है, ठीक है। तो ए का नहीं होना यदि बी को इंप्लाई करता है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट इवेंट है, राइट, ठीक है, ओके।
तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अपन इन पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर वन देखो, टू अनबायस्ड कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। दो अनबायस्ड टॉस, क्वेश्चन अपना क्या है, टू अनबायस्ड कॉइंस, अनबायस्ड कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ गेटिंग फर्स्ट वन हेड, एक हेड हो, वन टेल, टू हेड, एटलीस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड, एंड नो हेड। तो कॉइन को टॉस किया, वन हेड का मतलब यहां पे अपन एग्जैक्टली वन हेड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, एग्जैक्टली वन हेड। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, सबसे पहले एक कॉइन को, दो कॉइन को टॉस किया है अपन ने, तो उनका क्या क्या सैंपल स्पेस होगा। दो कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट होगा, या टोटल आउटकम अपने पास सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस अपने पास क्या होगा, ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस में देखो क्या क्या होगा, फर्स्ट पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, ठीक, हेड आ जाए, टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए, टेल आ जाए, यही चार चांसेस हैं। कोई यहां पे बच्चा बोलेगा कि सर में हेड टेल और टेल हेड को आप अलग अलग क्यों ले रहे हो। देखो यहां पे अपन दो अलग अलग कॉइन की बात कर रहे हैं, दो सेम कॉइन हो तब भी इस इवेंट की और इस इवेंट का अलग अलग। अब ये जो सारे इवेंट्स है ना, ये सब इक्वली लाइकली है, ये चारों इवेंट्स जो है, अब इन चारों इवेंट्स की घटना प्रोबेबिलिटी इक्वल है चारों इवेंट्स की, ठीक है। नहीं तो अपन ने यदि एक ले लिया तो हेड टेल की आने की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ जाएगी, बिकॉज है ना, इक्वली लाइकली नहीं है, वन हेड वन टेल, तो पहले पे हेड आ जाता, दूसरे पे टेल आ जाता, पहले पे टेल आ जाता, दूसरे पे हेड आ जाता। तो हेड टेल और टेल हेड अपने आप में दो अलग अलग इवेंट्स हैं, ये लेंगे तब ये सारे इवेंट्स क्या होंगे बच्चों, इक्वली लाइकली होंगे, तब इस प्रॉब्लम का मतलब है। सैंपल स्पेस में अपन कौन से कितने एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ पे फोर एलिमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, उसके बाद तो अपने पास कुछ भी नहीं है। देखो वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड का मतलब एग्जैक्टली वन हेड दो में है, तो इसका फर्स्ट का आंसर हो गया 2/4। सेकेंड का आंसर देखो, वन टेल एग्जैक्टली, तो 2/4। थर्ड का आंसर देखो, टू हेड, टू हेड मतलब 1/4। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, 3/4। एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, मतलब कितना हो सकता है इसमें, ज्यादा से ज्यादा एक हेड मतलब 0 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, और बस 2 हेड वाला नहीं होगा। तो 0 हेड और 1 हेड दोनों चेक कर लो, 0 हेड मतलब ये अपने फेवरेबल है, 1 हेड वाला, ये दोनों फेवरेबल है, तो 3/4 इज फेवरेबल। नो हेड, हेड नहीं होना चाहिए, उसका क्या होगा आंसर, 1/4। बात समझ में आई होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोनों इवेंट्स इसमें लेने हैं सैंपल स्पेस में, कभी ये मत भूलना, क्योंकि बच्चों की जो गलती होती है जनरली, वो एक ही इवेंट लेके बैठ जाते हैं, हेड टेल, टेल हेड अलग अलग नहीं लेते हैं, इसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A die is thrown once, find the probability of getting once, find the probability of
गेटिंग गेटिंग ए प्राइम नंबर फर्स्ट सेकेंड ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 4 लाइंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 4 है ना 2 and 6 ओके लाइंग बिटवीन 2 and 6 दोनों के बीच में होना चाहिए बच्चों तो इन दोनों को एक्सक्लूड कर रहे हैं एन ऑड नंबर आप बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर कितने हैं देखो पहले तो सैंपल स्पेस बनाओ सबसे पहले काम सैंपल स्पेस क्या होगा इसका 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस है अब इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं वन प्राइम नंबर नहीं होता 2, 3 and 5 तो 3/6 इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 फेवरेबल है आउट ऑफ 6 नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6 नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6 में अपने पास क्या होगा 2 to 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है मेरे पास ये देखो 3, 4, 5 तो अपने पास क्या क्या फेवरेबल है इसमें 3, 4, 5 ये फेवरेबल है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/6 एन ओड नंबर ओड नंबर कितने हैं 3 इवन है 3 ओड है तो 3/6 तीनों का प्रोबेबिलिटी 3/6 है ना इंटरेस्टिंग है प्रोबेबिलिटी सेम है इसका मतलब ये नहीं है कि इवेंट सारे सेम है ना हो सकता है कि दो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो सकती है जैसे हेड का आना और टेल का आना एक कॉइन पे दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है सेम है तो प्रोबेबिलिटी सेम हो सकती है दो घटनाओं की इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस ठीक है ना अपने को क्या निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम फाइव दोनों बार में किसी भी बार 5 नहीं आया सेकेंड 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस कम से कम एक बार 5 आया तो देखो अब इसका अपन को सैंपल स्पेस यदि बनाए इसका एक डाई को दो बार फेंका गया तो सैंपल स्पेस में क्या होंगे अपने पास टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे फर्स्ट कितने तरीके से हो सकता है 6 तरीके से सेकंड वाला का आंसर भी 6 तरीके से तो इसके जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा अपने पास 1 1 1 2 आ गया फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 2 ऐसे ही 1 6 ऐसे ही मैं बोलूंगा यहां से 6 1 6 2 6 6 सैंपल स्पेस में टोटल ये 36 एलिमेंट्स यहां पे प्रेजेंट होंगे ये बात क्लियर है सबको फर्स्ट डाई पे और सेकेंड डाई पे अलग अलग इस तरीके से अपने को दिखेंगे ठीक है अब अपन को क्या देखना है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम 5 एक भी बार नहीं आया 5 कहां कहां आ सकता है या 5 एक भी बार नहीं आया वो एक घटनाएं कितनी है तो पहले मैं देख लेता हूं 5 कितनी बार आया 5 कितनी बार आया 5 बारी पूरी लाइन में आया टोटल कितनी घटनाएं 6 ठीक बात समझ में आ रही है फर्स्ट एलिमेंट 5 हो गया ठीक अब इसका सेकंड एलिमेंट 5 हो गया जैसे 1 5 2 5 यहां पे क्या होगा यहां पे 5 5 होगा यहां पे क्या होगा 5 6 ठीक है और 5 कितनी बार आया और कितने इवेंट्स में 5 आ रहा है इसके अलावा ये तो यहां पे काउंट हो गया बाकी कितने बचे अपने पास टोटल 6 में से एक पहले से काउंट कर चुके हैं 6 में तो यहां पे 5 बचे 6 + 5 11 तो अपन बोल रहे हैं कि टोटल 11 ऐसे हैं जिसके अंदर 5 आ रहा है बात समझ में आ रही है 11 घटनाएं ऐसी है जिसमें 5 आ रहा है तो 11 के अलावा जितनी भी बची उसमें 5 नहीं होगा तो 36 -11 कितना बचा अपने पास 25 तो
तो 25 घटनाएं ऐसी है, 25 इवेंट्स ऐसे हैं, इनमें से 25 सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें 5 नहीं आ रहा, और अपन यही चाहते हैं कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, दोनों में से कभी भी बार 5 नहीं आना चाहिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 25 ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें 25 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें 5 नहीं आ रहा, ठीक, आउट ऑफ 36। बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट देखो, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, ये ऑलरेडी अपन चेक कर चुके हैं कि 5 कम से कम एक बार आया, ऐसी कितनी घटनाएं हैं, 6 और ये 5, तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, 11/36। तो बहुत सिंपल, बहुत बेसिक तरीके से आप सोचेंगे चीजें बिल्कुल अच्छे से बनेगी, आपको बस सैंपल स्पेस अच्छे से बनाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका सैंपल स्पेस यदि एक्यूरेट हुआ तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 10th क्लास तक जो भी अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है अपना सैंपल स्पेस बनाना, क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें अपने को और आइडिया लगेगा हाउ थिंग्स आर डन। क्वेश्चन देखो, ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। डबलेट का मतलब क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट होता है ना। सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाई इज ऑलवेज 7, सम ऑफ द नंबर 7 आ जाए, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। क्लियर है पॉइंट, ये अपने को निकालना है, ठीक है? तो फर्स्ट पे आते हैं अपन, पहले इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं बच्चों, 1 1 1 2 इस तरीके से, 1 6, फिर 2 1 2 2 2 6, 6 1 6 2, दो डाई अपन थ्रो कर रहे हैं, तो ये इसका हो गया बच्चों सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स, 36 है ना, 6 × 6 स्क्वायर के 36। अब अपने को क्या करना है, ए डबलेट, डबलेट कहाँ कहाँ होगा, डबलेट होगा इस डायगोनल पे, 1 1 2 2 6 6, टोटल डबलेट कितने हैं देखो, ये काम का है 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सारे डबलेट है, तो 6 डबलेट है अपने पास आउट ऑफ 36, प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36। सम ऑफ नंबर्स ऑन डाई इज 7, सम 7 कैसे हो सकता है बच्चों, फर्स्ट में 6 आ जाए फिर 1 आ जाए, ठीक, 6 1 अपन ने लिया है तो 1 6 भी लेंगे, फिर अपन ने बोला 1 इधर दे दो, 5 2 5 2 7 2 5, फिर अपन ने बोला 4 3 3 4, फिर इसको और देंगे तो 4 3 बन जाएगा, तो टोटल कितने फेवरेबल है बच्चों, सेकेंड के फेवरेबल कितने हैं, सेकेंड के फेवरेबल ये एलिमेंट्स हैं, तो 6 एलिमेंट्स आर फेवरेबल नंबर्स ऑन टू डाई 7, तो 6 एलिमेंट्स फेवरेबल है, तो आंसर इसका भी क्या होगा बच्चों, 6/36। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट अपने पास है इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द सेकेंड, ठीक है, ये अपने को चाहिए, तो फर्स्ट पे इवन होना चाहिए और सेकेंड पे अपना 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अपने को स्पेसिफाई कर दिया कि पहले पे फर्स्ट पे 3 इवन आना चाहिए और सेकेंड पे 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो फर्स्ट जो भी है उस पे कितना आना चाहिए अपने पास,
इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, मान लो उन डाइयों का नाम है फर्स्ट और सेकंड, दोनों डाइयों का मान लो एक पेयर ऑफ डाई अपन ने फेंकी है और दोनों डाइयों को अपन पहचान पा रहे हैं लेट से, तो फर्स्ट वाली डाई पे क्या आना चाहिए अपने पास, फर्स्ट वाली डाई पे आना चाहिए इवन। इवन कैसे कैसे आ सकता है, टू आ सकता है, फोर आ सकता है और सिक्स आ सकता है। अब टू के साथ, टू के साथ थ्री का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, थ्री का मल्टीपल हो सकता है थ्री या फिर सिक्स, फोर के साथ थ्री या फिर सिक्स, सिक्स के साथ थ्री या फिर सिक्स, थ्री के साथ सिक्स के साथ थ्री या फिर सिक्स, टोटल कितने अपने काम के। यहां पे स्पेसिफाई कर दिया इसने कि इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ये बोलता ना कि इवन नंबर ऑन वन डाई एंड थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन दी अदर डाई, तो इसका आंसर बच्चों अलग होता है क्योंकि इन दोनों का अपन फिर इंटरचेंज कर सकते थे, तब आंसर और अच्छा, क्वेश्चन और अच्छा बनता है। इसमें इसने बोल दिया कि इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पे इवन नंबर होना चाहिए, तो मतलब वो डाई स्पेसिफाई कर दी। तो अब ये इवेंट जो है ना, थ्री टू वाला इवेंट इसमें नहीं होगा, बिकॉज थ्री टू वाले में क्या है, थ्री आ रहा है फर्स्ट डाई पे, टू आ रहा है सेकेंड डाई पे, क्लियर है पॉइंट। जनरली ऐसा क्वेश्चन में नहीं मेंशन होता है, अपने को जनरली ये मेंशन होता है इवन नंबर ऑफ वन डाई, इवन नंबर ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अदर डाई, तो ये क्वेश्चन फिर अलग बन जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये टोटल कितने हुए अपने पास, सिक्स आउट ऑफ 36, तो आंसर क्या आ रहा है यहां पे भी, सिक्स अपॉन 36, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों और करते हैं, ए बॉक्स कंटेंस 5 red, 4 green and 7 white बॉल, बोल रहा है एक बॉक्स में अपने पास क्या है, 5 red ball बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स है उसमें 5 red ball है, 4 green ball है एंड 7 white ball है, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, अपना एक्सपेरिमेंट क्या है, एक बॉल को उठाया रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन इज, तो यहां से 1 ball इज ड्रॉन, क्वेश्चन क्या है अपना फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, बॉल ड्रॉन है वो व्हाइट होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, Neither red nor white, neither red nor white. क्वेश्चन देखो, white होने की probability क्या होगी, एक ball को अपन ने उठाया तो वो क्या क्या हो सकता था, white, green and red. इसका sample space ऐसा नहीं कि सर इसका सैंपल इस तो 1 white, 1 green, 1 red हो जाएगा, यहां पे बच्चों ये white कितनी है, 7 है ना, white कितनी है, 7 है, तो आप ऐसे सोच के देखो कि यार एक व्हाइट उठाएंगे तो व्हाइट के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं, व्हाइट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहां पे, ज्यादा होगी। ये सेम ट्रायल जो है 7 बार अपन परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है ना, 7 अलग अलग तरीके से, इसमें से 7 व्हाइट है, ठीक है ना, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है अपने पास, फेवरेबल आउटकम अपने पास क्या है, 7 आउट ऑफ कितना, 16 है टोटल, तो टोटल 16 और उसमें से वाइट कितना, 7, तो 7/16 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नाइदर रेड नोर वाइट, ना रेड होनी चाहिए ना वाइट होनी चाहिए, तो होगी नहीं, क्या चाहिए, ग्रीन, तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, 4/16, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। आप इसको इस तरीके से देखो कि यदि व्हाइट बॉल सारी व्हाइट होती तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट रहती, मान लो एक ग्रीन एक रेड होती और बाकी व्हाइट होती सारी, तो जितने ज़्यादा कलर के बॉल्स हैं उस कलर के आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी, और यही अपन प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आइडिया क्लियर हुआ होगा, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।